नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। NCB मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हिंदी में अनुवाद करें तो मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया है। सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया है कि वह सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदता था। जानते हैं सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा कौन है। सौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई हैं और सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर हैं। इन दोनों को NDPS के सेक्शन 20B, 22, 26, 27A, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है। NCB के सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने NCB को अपने बयान में बताया है कि वो सौविक के कहने पर ड्रग डीलर के सुशांत के लिए बड नाम का एक ड्रग्स अरेंज करते थे। सौविक ने NCB को बताया है कि वो सैमुअल को रिया के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग लाने के लिए बोलता था और पेमेंट करता था। NCB का कहना है कि NDPS एक्ट की धारा के मुताबिक अगर ड्रग्स लेने या खरीदने के सबूत मिलते हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मामले की जांच के सिलसिले में प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती और अभिनेता सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के परिसरों में NCB के ने शुक्रवार को छापेमारी भी की। NCB ने अदालत से कहा, परिहार ने अपने बयान में कहा है कि वो सौविक चक्रवर्ती के निर्देशों पर विलात्रा और एक अन्य व्यक्ति के जान इब्राहिम से मादक पदार्थ खरीदता था। एजेंसी ने बताया कि परिहार के सौविक के लिए मादक पदार्थ लेने में अन्य कई उदाहरण भी हैं। NCB ने कहा, आरोपी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि हस्तियों और मादक तस्करों से जुड़े एक मादक पदार्थ नेटवर्क का ही एक सदस्य है। उसने कहा कि परिहार ने कई नामों का भी खुलासा किया है और बड़े तस्करों को पकड़ने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है। NCB ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नशीले पदार्थ एक पहलू की जाँच हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में खासकर बॉलीवुड में मादक पदार्थ गिरोहों को जड़ से उखाड़ने के लिए भी यह जरूरी है। एजेंसी ने पहले कहा था कि राजपूत के लिव इन पार्टनर 28 वर्षीय रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक के मोबाइल फोनों पर हुई चैट में जिस व्यक्ति का नाम आया है, परिहार को उस व्यक्ति के संबंध में माना जा रहा है। 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती प्रमुख आरोपी हैं और इस मामले की जांच NCB धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो CBI कर रहा है।